नवरात्र में दुल्हन की तरह सजा ज्वालामुखी शक्तिपीठ। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी में शारदीय नवरात्र के मद्देनजर दुल्हन की तरह शक्तिपीठ सज गए हैं। नवरात्रों में मां ज्वालपा के मंदिर को श्रद्धालु एमिल परिवार ने देसी विदेशी फूलों से कई प्रकार से मंदिर को सजाया है। वहीं लुधियाना के श्रद्धालुओं ने मां के मंदिर में रंग बिरंगी लाइट लगवाई है, जिससे मां का मंदिर भव्य रूप से सज गया है। ज्वाला जी मंदिर के मुख्य पुजारी कपिल शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में मां ज्वाला की साक्षात ज्योतियां श्रद्धालुओं को दर्शन देती हैं। पूरे भारत में शक्तिपीठों में सर्वोपरि मां ज्वाला जी का धाम बताया गया है और ये ज्वाला जी धाम मां की ज्योतियां यहां साक्षात भक्तों को दर्शन देती हैं और यहां पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु माँ से कुछ भी मांगते हैं उन्हें वो मिलता है, ऐसी भाव रख के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र में विशेषकर से नवरात्र जो उत्सव रहता है उसमें शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में माँ के दरबार में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में किए गए पूजा अर्चन का और हवन यज्ञ का कई लाख गुणा फल जो है भक्तों को माँ देती हैं। जो हमारा नवरात्र के अंदर यहाँ से माँ ज्वाला जी की जोत ले जाके घर घर माँ की चौकियाँ होती हैं, माँ को श्रद्धा पूर्वक हर घर में विराजमान। जय माँ। क्या आस्था है? और यही है कि माँ हर जिस तरह हम अपनी भावनाओं से माँ को ले जाते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि माँ हमारे हर काम को पूरा करती है और आगे भी करती है। कितने वर्षों से सिलसिला ये हमारा 8 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। हम इसी तरह हर नवरात्रि माँ को यहाँ से लेकर जाते हैं और घर घर माँ को विराजमान। यहाँ दर्शन करने आया हूँ मैं। यहाँ पास में जो टेंट एरिया पड़ता है वहाँ से जब अपना किसी छुट्टी से या कार्यवश से हम जब वापस आए थे तो हमने एक ज्वाला देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध सुना था। बहुत अच्छी भावना लेकर हम यहाँ आए, अपनी मनोकामना पूरी करके तो हम अपने वापस घर पे जा रहे हैं। जैसे आपने ज्योतियों के दर्शन किए, क्या हमने एक अलौकिक प्रकार की ज्योति देखी? जैसे हम सुनते थे पुराने समय में कि वहाँ एक ऐसी ज्योति होती है जो हमेशा जलती रहती है, यहाँ काफ़ी ऐसी हमने ज्योतियाँ देखी जो अलग अलग स्थानों पर जल रही थी और उस पानी में भी आग लग के वहाँ के पंडित जी ने दिखाई। बहुत अलौकिक शक्ति उनको प्रदान है। बहुत अच्छा लगा ये देख के और अपनी मनोकामना मांगी है। बहुत अच्छा लगा। हमने व्यवस्था करी है कि जो भी हमारे पास यहाँ श्रद्धालु आए या हिमाचल से यहाँ के जो लोकल लोग आएंगे उनको हम बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लंगर में दोनों टाइम खाना मिलेगा, उनमें जो मुंडन होंगे उनके लिए जगह चिन्हित कर दी है, कन्या पूजन के लिए जगह चिन्हित करी हुई है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए जो मंदिर प्रशासन है वो कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कमेटी वाले लगभग 20 लोग हायर करेंगे सफाई व्यवस्था के लिए एक्स्ट्रा। इसके अलावा मंदिर प्रशासन भी 50 लोग हायर करेगा सफाई व्यवस्था के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए भी हम लगभग 75 होमगार्ड के जवान जो हैं उनको इस दौरान हायर कर रहे हैं। तो हमारा कुल मिला के मोटिव यही है कि ये जो भी सारा मेला इवेंट है ये स्मूथली बीत जाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे बुजुर्गों और हैंडीकैप के लिए क्या? एक तो हमारे पास यहाँ पर स्पेशल गेट है, तो अगर वो मंदिर प्रमाइस तक पहुँचते हैं तो उनको हम उस गेट से दर्शन करवा देते हैं। दूसरा हमारे पास व्हील चेयर अवेलेबल है और वो व्हील चेयर जो है वो मंदिर प्रमाइस में अवेलेबल है, तो हम उनको व्हील चेयर अवेलेबल करवाते हैं। जी।